नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं श्री न्यूज के साथ। मैं हूँ रूहानी। हमेशा से हम कहते आ रहे हैं कि जिला प्रशासन सक्षम है कोरोना वायरस से निपटने के लिए। एक बड़ी पहल अब ये की गई है कि यहाँ पर एक ऑर्डर फ्लैश हो रहा है, वो इस प्रकार है कि अब जिला प्रशासन की ओर से ये कहा गया है कि कोई भी लंगर, भंडारा या ढाबा जो है वो ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। और ये समय जो सीमा तय की गई है वो 31 मार्च 2020 की गई है। उसी के साथ साथ बार, रेस्टोरेंट, फूड कोर्ट, फूड स्टॉल, रोड साइड ईटरीज, इन पर भी कहीं ना कहीं ये बात की गई है। मसाज सेंटर जो है ऑपरेट नहीं कर पाएंगे, स्पा ऑपरेट नहीं कर पाएंगे, सोना ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। ये ऑर्डर जो है जम्मू डिस्ट्रिक्ट के लिए स्पेसिफिकली आया है। उसी के साथ साथ कोई रिलीजियस जो है यहाँ पर फंक्शन नहीं होगा, इवेंट नहीं होगा, रिचुअलिस्टिक इवेंट नहीं होगा, सोशल रिलीजियस रिचुअलिस्टिक इवेंट, ये तमाम चीज़ें जो नहीं होंगी। और वो चीज़ें जो कहीं ना कहीं जहाँ पर ज़्यादा भीड़ जो है एकत्रित होती है, कहीं ना कहीं खतरा जो है जम्मू कश्मीर पर भी कोरोना वायरस का मंडरा रहा है, जम्मू में भी केसेज आपके सामने आए, उसी को देखकर जो जिला प्रशासन है उसने एक बड़ी पहल की है। उसी के साथ साथ ये भी कहा गया है कि इवेंट्स जो है वो यहाँ पर नहीं होंगे, रैलीज नहीं होंगी, धरनाज नहीं होंगे, प्रोटेस्ट नहीं होंगे, कॉन्फ्रेंसेज नहीं होंगे। और ये भी समय सीमा जो है 31 मार्च तक जो है तय की गई है। और आखिरी बात ये है कि ये भी कहा गया है कि फ्रूट और सब्जी मंडी जो है वो खुली रहेंगी, यानी कि आप जानते हैं आपकी ज़िंदगी में खाना खाना कितना ज़रूरी है, और वो ऑपरेट करेंगी, वो काम करेंगी, फंक्शनल रहेंगी और इंश्योर करेंगी प्रोविजन ऑफ एसेंशियल सप्लाईज, यानी कि ज़रूरत जो पड़ने वाली चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं रोज़मर्रा की ज़िंदगी की जो चीज़ें हैं वो जो है वो तमाम चीज़ें खुली रहेंगी।